हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग हिंदी में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खूबसूरत फूलों वाले पौधे से मिलवाने जा रही हूँ। ये खूबसूरत फूलों का जो पौधा है, इसका नाम है सिनेरेरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिनेरेरिया का खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। और सिनेरेरिया के जो फूल होते हैं, ये काफ़ी रंगों में आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंगनी, सफ़ेद, मजेंटा, गुलाबी, ये काफ़ी सारे ब्राइट कलर्स में आते हैं इसके फूल। और इसके फूलों की खासियत ये है कि ये एक दो नहीं निकलते हैं और ये गुच्छों में निकलते हैं। इसके फूल पूरे पूरे गुच्छे आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक गुलदस्ता हो फूलों का। और सर्दियों का ही ये पौधा है, इसे आप सर्दियों के मौसम में ही देख पाएंगे। इसकी सीडलिंग्स जो हैं जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं, सीड्स इसके डाल सकते हैं, और उसके बाद इसकी पौध तैयार हो जाती है। सितंबर अक्टूबर तक इसको फिर से पौधे की तरह तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को जो है ठंडा मौसम बहुत पसंद है, और इस पौधे के फूल जो हैं वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक खिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप सिनेरेरिया का पौधा लगाएं तो इसे पार्शियल शेड में ही लगाएं, क्योंकि फुल सन में जो है इसके फूलों का रंग जो है फेड हो जाता है, और इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल भी चाहिए होती है, और पार्शियल शेड इसे बहुत पसंद है। फ्रेंड, जब भी आप नर्सरी से अगर लाते हैं कोई भी सिनेरेरिया का पौधा आप लेने जाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां फ्रेश होनी चाहिए और इसमें ढेर सारी कलियां लगी होनी चाहिए। इसे सीड्स से तो लगा ही सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सीड्स आप जून से अगस्त के बीच में डाल सकते हैं। सीड्स लगाने से पहले इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना पड़ता है, और पहले इसकी मिट्टी मॉइस्ट कर लें और ऊपर से उस पर सीड्स डाल दें। मिट्टी से इसको कवर ना करें, इसके सीड्स को कवर नहीं करना होता है। और करीब दो से तीन हफ्ते में आप देखेंगे कि सीडलिंग निकल आएंगे इसके। और इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में ये पौधा ख़राब हो जाता है। सिनेरेरिया का जो पौधा है, ये कोकोपीट और बालू के मिक्सचर में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इस पौधे को बारिश भी बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर बारिश हो जाए तो इसके फूल ख़राब हो जाते हैं। बारिश वैसे सभी फूलों के लिए, फूल के ऊपर अगर बारिश होती है तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप जब भी गमले में भी पानी देते हैं तो फूल के ऊपर से पानी ना दें, बल्कि साइड से पानी दें, जिससे कि फूल अच्छे आपके खिलते हुए दिखें। हफ्ते में एक बार इस पौधे को आप लिक्विड खाद दे सकते हैं तो ये अच्छा ग्रो करेगा। और इसके खूबसूरत रंग देखें, कितने खूबसूरत हैं, इनको आप इंजॉय करिए, कितने सारे कलर्स इसके आते हैं। और इन सर्दियों में, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, तो अब इन सर्दियों में आप सिनेरेरिया का पौधा ज़रूर लाएं नर्सरी से, और इसको अपने गमलों में, अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितने खूबसूरत हैं इसके फूल। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।